वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अज आप पहुंचे हैं जी शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव दी समाधां ते उन्हां नूं नमस्तक होण। अज इत्थे पहुंचे हां हुसैनी वाला बॉर्डर जिहनूं कह दिंदे आं आपां। साडे रेनीगेट राइडर्स दी सारी टीम अज पहुंची है। जूनियर भी आए हैं, जूनियर फैलो राइडर्स भी हैगे साडे नाल। हरिहांतप्रीत सिंह चौहान ਇਨਾ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹਦੀ ਗੁਰਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਯੰਗ ਰਾਈਡਰ ਪਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਿੱਧੂ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਆਰ ਗਰੁੱਪ। ਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਾਈਕ ਖੜਾ ਆ ਪੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੋ ਜਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਵਾ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਭਾਈ ਥੋੜੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਖੂਬੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜੈਕਟ ਤੇ ਲਈ ਆਲ ਸੀਜ਼ਨ ਜੈਕਟ ਦੀ ਮਤ ਸਾਡੇ ਬਲੌਗਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜੈਕਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹਾਰਲੀ ਦੀ ਤੇ ਲੈਣੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਲ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਨਾ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਚਣੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਵੇਚਣੀ ਆ ਇਹ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਾਰਲੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਹੰਡੇ ਦੇ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੰਡਾ ਗੋਲਡ ਵਿੰਗ ਹੰਡਾ ਕਰਨਾਟਕ ਲੈ ਲਿਆ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾਟਕ ਹੁੰਦਾ ਦਇਆ ਸੰਧੂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੰਡਾ ਗੋਲਡ ਵਿੰਗ ਜੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹਾਰਲੇ ਦੀ ਆ ਇਹ ਹਾਰਲੇ ਦੀ ਰਹੂਗੀ ਭਾਈ ਹਾਰਲੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਂ ਧੱਕਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਕਰੀਏ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਸਮਾਧਾਂ ਦੇ ਕਰੋ ਭਾਈ ਲਾ ਲੈ ਬੂਟ ਬਾਟ ਲਾ ਲਓ ਆਪਦੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਤੋ ਭਾਈ ਦੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾ ਲੈ ਥੋੜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਘਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 30 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਭਾਈ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਮੇਰਾ ਆਪ मित्रों जिवें मैं तुहानूं पहलां दस्या सीगा है ना आपां पहुंचे हां शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव दीआं समाधां ते हुसैनी वाला बार्डर फिरोजपुर ते इत्थे आपां अज मत्था टेकन नमस्तक होण आए हां ते छोटी जी राइड आ बाली वड्डी राइड है नहीं गी ते मैं तुहानूं दिखाउणा पहलां थोड़ा जिहा मैं है ना तुहानूं दस दिआं कि ये सतलुज दरिया है ना सतलुज दरिया के कंढे ते इन्हां दी जिहड़ी यादगार बनाई गई है ते आ सामने मैं तुहानूं दसदा उह सामने इन्हां दीआं हैगीआं समारक बनाया होया हैगा ते इधर आ सारा सतलुज दरिया ते दूसरी साइड इधरली साइड ये दरिया सतलुज पाकिस्तान नूं जा रहा हैगा। इत्थे जदों 23 मार्च 1931 नूं शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव नूं जिहड़ी चोरी चोरी फांसी देती सीगी अंग्रेज सरकार ने ते उस तो बाद इन्हां ने रात नूं चोरी जिहड़ा हैगा लाशां दा संस्कार करन दी कोशिश कीती इत्थे सतलुज दरिया दे कंढे ते ते फिर जदों आवाम नूं पता लग गया उन्हां ने धावा बोलिया तां अंग्रेज अध सड़ियां लाशां छड्ड के भज गए सीगे ते बाद दे विच जिहड़ा इस जगह ते उन्हां दा है ना संस्कार कीता गया ते फिर इह जगह बनाई गई ते नाल ही इत्थे इंडो पाकिस्तान जिहड़ा हैगा इंडो पाक बॉर्डर है जिथे परेड हुंदी आ हर रोज़ ते इह समाधी इह समारक मैं तुहानूं दिखाउणा इन्हां दा भगत सिंह राजगुरु दा सुखदेव दा जिहड़ी जोत जल रही है एक ही जिहड़ा उदों कॉमन नारा सीगा है ना आजादी की लड़ाई वेले इनकलाब जिंदाबाद हरेक बंदे दे मूंह ते उही सीगा इनकलाब जिंदाबाद अज भी उही है इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। अच्छा सामने तुसी देख रहे हो शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੁੱਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਸਟਾਈਲ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ।
संस्कार किया गया इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद थोड़ा इतिहास तुहानू पढ़ के दस दिए इनकलाब जिंदाबाद की बलदी हुई जोत यह यादगार साढ़े तीन कौमी शहीदां सरदार भगत सिंह राजगुरु ते सुखदेव के विरोक इनकलाबी जज्बे प्रगट करती है। इन्हां तिन्हां सूरवीर ने मुस्कुराउंदियां होइआं शहादत का जाम पी के आजादी की सदीवी जोत जगाई। सरदार भगत सिंह ते श्री बी के दत्त ने भारत में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध रोस प्रगट करन लई 8 अप्रैल 1929 वाले दिन नवी दिल्ली विखे केंद्र असैम्बली हाल में बंब सुटिया। मिस्टर सैंडर्स नाँ के एक अंग्रेज़ पुलिस अफसर से गोली चलाने के दोष में सरदार भगत सिंह उन्होंने दो बहादुर साथियों श्री सुखदेव ते राजगुरु विरुद्ध मुकदमा चलाया गया। सरौफ साजिश केस में तेजी नाल मुकदमे की कार्रवाई करके इन्हां तिन्हां इनकलाबियों को फांसी की सज़ा दी गई। नियत समय तो एक दिन पहला इन्हां नूं सेंट्रल जेल लाहौर में 23 मार्च 1931 शाम के 7:15 बजे फांसी दे दी गई। उस वेले लाहौर के सारे वसनीक गुस्से नाल भड़के हुए सन ते बगावत का खतरा सी। जेल के अधिकारियों ने पिछली कंध पाड़ के रात के हनेरे में भगत सिंह ते उन्हां दे साथियों के मृतक शरीरों नूं बाहर कढ़िया अते सतलुज के कंढे इस थान ते लिया के बिना किसी रसम के संस्कार कर दिता। श्री बी के दत्त 19 जुलाई 1965 नूं दिल्ली विच सुरगवास होए अते उन्हां दी इच्छा अनुसार उन्हां दा अंतिम संस्कार भी इसे स्थान ते ही किया गया। ਇਹ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਬੀਕੇ ਦੱਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਟਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਭੁੱਲ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ हमेशा ही लाते होंगे सके नारा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजू ए कातल में है। तो वाकई इन्होंने ये गल साबित करती सी जो हस हस के इन्होंने फांसी के रस्से आपके गल च पाले सी शहादत दिती सी अपने देश लई अपनी कौम लई अपने देशवासियों लई तो उन्होंने असी कदे भी नहीं भुल सकते कदे भी इन्हों नहीं भुल सकते गे। शहीद आजम सरदार भगत सिंह उहदी कुरबानी नूं उहदे साथियों नूं आपां कदे भी नहीं भुल सकते किसी नूं नहीं भुल सकते आपां जिन्होंने भी देश की आजादी वास्ते लड़ाई लड़ी आपका बलिदान दिता आपका योगदान पाया किसी नूं नहीं आपां भुल सकते गे। जिहड़ा पंजाब का इतिहास है बड़ा विलक्षण इतिहास है बड़े योधे पैदा किए आ पंजाब ने तो इन्हों योध्या जोड़े तीन योधे भगत सिंह राजगुरु तो सुखदेव सीगे जिन्हों असी 23 मार्च 1931 शहीदी दिवस से याद करते हैं सजदा करते हैं। आ सामने मैं थोनों दस दया जोड़ा तुम देख रहे हैं ये किसी टाइम रेलवे स्टेशन सीगा हुसैनीवाला तो अगे पाकिस्तान लाइन जाती सी रेलगड्डी की तो 1971 वेले जोड़ा ये तबाह हो गया सीगा सारा गोलियां वजियां सारी बिल्डिंग ये आलमोस्ट डैमेज हो गई सी तो हुण पंजाब गवर्नमेंट वल्लों इत्थे एक प्रोजैक्ट शुरू किया जा रहा वो सामने एक डब्बा ही बनाया उहदे विच बैठने वास्ते जगह अडल्ट्स बच्चे सारे बैठ सकते हैं तो उत्थे LED वगैरह चलिया करूँ अंदर लोगों को जोड़ा इतिहास है वह दस्या जाया करूँगा। इधर सारा LED प्रोग्राम लाइट्स वगैरह सारा अंडर प्रोजैक्ट है अंडर प्रोसैस है सारा कुछ फिर नैक्सट ब्लॉग तो अपडेट कर देंगे जो भी यह तैयार होगा।